बूंदी शहर जो पहाड़ियों पर स्थित है उसको राजा रावदेव ने सन 1342 ईस्वी में बसाया था। इस शहर में रहने वाले चित्रकार अपनी कल्पना से जो चित्र बनाए थे उन चित्रों को कला के विद्वानों ने बूंदी शैली नाम दिया। बूंदी के राजाओं ने कला संगीत काव्य में पर्याप्त उन्नति की थी। राजस्थानी लघु चित्रकला की चरमोत्कर्ष बूंदी के राजाओं के आश्रय में मिली। बूंदी के चित्रों में मुगलिया प्रभाव कम और मेवाड़ का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। बूंदी शैली में बने चित्रों का अध्ययन बहुत से विद्वानों ने किया, जिनमें डॉक्टर मोती चंद्र, काल खंडलवाला, राय कृष्णदास, गैरोला, आर्चर आदि प्रमुख हैं। बूंदी शैली चित्रों की प्रसिद्धि में इन चित्रों की अपने निजी एवं मौलिकतापूर्ण विशेषताएं हैं। चित्रों के विषय, बूंदी शैली के चित्रकारों ने बारहमासा नायक नायिका, भागवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य, आखेटन, त्योहार, व्यक्ति चित्रण इत्यादि विषयों में चित्रण किया है। चित्रों में चित्रकारों ने पशु पक्षियों जानवरों आदि को यथार्थ अंकन करने का प्रयास किया है। रंगों में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है। इनके अलावे लाल सफ़ेद काला नीला रंगों का उपयोग दिखता है। सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग अलंकरण के लिए किया गया है। इन चित्रों में परिप्रेक्ष्य आलेखन को ज़्यादा महत्व देने के कारण कम दिखता है। चित्रों में रेखाएँ कोमल एवं भाव प्रधान है। प्रकृति चित्रण बूंदी शैली की विशेषता है। चित्रों में पशु पक्षियों को भी प्राकृतिक परिवेश के साथ चित्रित किया है। आने वाले वीडियो में आप जानेंगे जोधपुर शैली के बारे में। मेरा नाम राजन कुमार है, आप देख रहे थे आर्ट स्टूडियो 2। धन्यवाद।